और हमारे नेता उसके खिलाफ लड़कर वो उसका हक बचाते हैं। किसानों के 3 काले कानून लाए जिसमें तो सभी का नुकसान था, उसके लिए वो लड़ाई लड़े, वो वापस लेने के लिए लिया। जैसे कि अभी आप इस वक्त है तो सोचा सवाल कर लूं, कई बार ऐसे हम देख रहे हैं एक ही जमीन पर कई कई लोग अपना अलग अलग करके बैठे हुए, इसी के चलते में हमारे जो नागपुर शहर में क्राइम बढ़ रहे हैं क्योंकि एक ही जमीन को अलग अलग लोग बता रहे हैं, जो क्रिमिनल टाइप के लोग हैं। आपने देखे होंगे ऐसे बिल्डर्स की हत्याएं, ये सब मामले बहुत आ रहे, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? क्योंकि भूमि माफिया की चीज़ें ज़्यादा चल रही है नागपुर शहर के अंदर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं ज़रूर जनता से आपके चैनल के माध्यम से, दोनों चैनल के माध्यम से ये विनती करूँगा कि सबका घर हो, अपना घर हो। यार इन्होंने बताया गया है लेकिन आज तक एक लाइन का भी प्रस्ताव अभी तक भेजा नहीं गया। क्यों नहीं भेजा गया? क्योंकि भाजपा चाहती नहीं है कि लोगों को न्याय मिले, गरीब लोगों को घर मिले, उनके घर उनको वापस हो, ये भाजपा चाहती नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना बराबर है, तो इन लोगों के पास भी तो घर नहीं है। आप जरा माइक और चेहरा ये घुमाइए, इनकी तरफ वीडियो घुमाइए, इनमें से कौन करोड़पति दिखते हैं मुझे बताइए, इनमें से एक भी अमीर है क्या मुझे बताइए, इनमें सही में दो दो पांच पांच घर रखने की इनकी तैयारी है क्या मुझे बताइए। अगर ये भी गरीब है और इन्होंने कोई ये जबरदस्ती नहीं बैठे हैं यहाँ पे, इंक्रोचमेंट नहीं किया है, बशर्ते इन्होंने पैसे देकर इस जगह को खरीदी किया है। अगर आपकी जगह थी, आपने उस पर अपना नाम नहीं चढ़ाया, आपने उसका कब्जा केवल ऑन पेपर लिया है, ऐसे कब्जा नहीं लिया है, आपको आपकी प्रॉपर्टी का संरक्षण करना नहीं आया, तो ये गलती भी तो एनएमसी की है ना। फिर इसके लिए उनको, उनके अधिकारियों को सस्पेंड करना चाहिए, उन लोगों को उसका भुगताना भुगतना चाहिए, ना कि हम लोगों को, गरीब लोगों को। एक तरफ एने हुई है जगह, एने करना मतलब क्या है कि इसको अगर आपने अकृषक की है तो इसको 7 डिपार्टमेंट की एनओसी लगती है। तो ये सब होने के बाद ये कैसे हुआ? हम बोलते हैं एक तरफ की गरीब फंसे, क्यों नहीं फंसना चाहिए गरीब ने? अरे जब आपकी गवर्नमेंट फंसी है, जब रजिस्ट्रार फंसे हैं, जब एनओसी दी गई है, एनओसी देने वाले तहसीलदार प्रशासकीय अधिकारी फंसे हैं, इतने दिन से एनएमसी ने अपना नाम नहीं चढ़ाया, तो ये गरीब लोग किस खेत की मूली है? चुनाव में हमारे लोगों को अगर चुना के देंगे तो हमारी ताकत बढ़ेगी और उनके खुद की लड़ाई की ताकत बढ़ेगी और उनके पीछे हम खड़े रह पाएंगे। यही आपसे विनती है सर। आप जो बार बार जिताने की बात कर रहे चुनाव के अंदर, तो सर कहीं ना कहीं विपक्ष की भी कहीं ना कहीं कमजोर, विपक्ष का ही कमजोर नजर नहीं आ रहा सर आपको? जैसा कि लोग ये बोलते हैं कि विपक्ष में ऐसा कोई हमें नेता ही नजर नहीं आ रहा जिसके कारण हम कांग्रेस को जिता के लाए सर। ऐसा है कि मेरा नेता या हमारे दोनों का नेता राहुल गांधी गरीबों की बात करता है, राहुल गांधी किसानों का हक नहीं छीनने देने के लिए लड़ाई लड़ते हैं, राहुल गांधी कहते हैं कि जो कोरोना में लोगों के रोजगार चले गए उनको 10,000 रुपये महीना हाथ में दे दो और 7,500 रुपये महीना उनको दो। तो ये अगर बातें गलत है तो सही बातें थोड़ा सा हमको भी बता दो, हम वो भी कर लेंगे, कभी गलत नहीं। अगर भूमि अधिग्रहण कानून में किसान की भूमि लेने के लिए 5 गुना उनको दाम मिलना चाहिए मार्केट से, 4 गुना शहर के जमीन वालों को मिलना चाहिए, ये कानून अगर बीजेपी वापस लेना चाहती है और किसान उनके उद्योगपति दोस्तों को आसानी से जो गरीब लोग हैं इन्होंने अपनी पूरी मेहनत की पूंजी, जिंदगी भर की पूंजी इस प्लॉट में लगा दी, लेकिन इनके साथ में एक बहुत बड़ा धोखा हुआ, ये आप भी जानते हैं सर, और जिनसे इन्होंने प्लॉट लिया है आज वो व्यक्ति कहीं ना कहीं घर पे अपने बीमार पड़े हुए और यहाँ पर एनएमसी कंपाउंड वाल उठाने का काम कर रहा है, तो इसमें सर आप क्या सहयोग करेंगे? और सबसे पहले आपका नाम बताइए सर। जो यहाँ पर जो गरीब लोग हैं ये फंस चुके हैं अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई देकर, जो बहुत तकलीफ से इन्होंने पैसा पाई जमा किया होगा और उन्हीं पैसों के इन्होंने प्लॉट लिया, आज ये फंस चुके हैं इसके अंदर, तो आपकी क्या राय है, आप क्या करना चाहेंगे? जैसा सर ने तो बहुत कुछ बता दिए कि हम क्या करने वाले, कांग्रेस क्या करने वाली इन महिलाओं के लिए, यहाँ के रहवासी लोगों के लिए, आपकी क्या राय है, आप क्या करना चाहेंगे ये लोगों के लिए? अभी आपको हमारे कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता सम्माननीय अतुल जी लोंढे, इन्होंने इस विषय पर काफ़ी प्रकाश डाला है। अब सबसे पहले तो विषय ये है कि ये जो जगह है, ये जगह जिस प्रोजेक्ट के लिए ली गई थी, किसानों की जगह है ये, और किसानों से जिन प्रोजेक्ट के लिए ली गई थी वो प्रोजेक्ट खत्म हो चुका है, बंद हो चुका है। तो वैसे देखा जाए तो किसानों को ये जगह वापस होनी चाहिए थी, ये पहली बात। दूसरी बात, ये कोई एक ही जगह नहीं है, या 2000 एकड़ से भी ऊपर की जगह है।
लेकिन ये एनएमसी ही हम पर ज़बरदस्ती क्यों कर रही है। अब देखिए ये जो यहाँ प्रोजेक्ट आया हुआ है, यहाँ प्रोजेक्ट जो है वो सेंट्रल इंडिया का प्रोजेक्ट है, जो स्पोर्ट डिपार्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का उसका प्रोजेक्ट है, और ये जो जगह दी गई है या एनएमसी नागपुर एनएमसी ने दी गई है। नागपुर एनएमसी में भी सत्ता किसकी है बताइए आप, किसकी है सत्ता? बीजेपी। पता नहीं है किसी को? बीजेपी। बीजेपी की सत्ता है। सेंटर में सत्ता किसकी है? बीजेपी। बीजेपी की सत्ता है। इसके पहले हम 3 बार इस विषय पर मीटिंग ले चुके हैं। तीनों बार मीटिंग लेने के बाद सम्माननीय सुनील जी केदार साहब, उसके बाद में हमारे प्रांताध्यक्ष जो है अभी नाना पटोले जी, उस वक्त हमारे विधानसभा अध्यक्ष थे वे, हमारे पालक मंत्री महोदय, इन सब ने बताया कि यहाँ पर रहने वाले लोगों का सर्वे करके उनका एक प्रस्ताव महाराष्ट्र गवर्नमेंट की ओर भेजा जाए। किसने? एनएमसी ने। क्यों एनएमसी ने भेजा जाए? क्योंकि अभी मालकाना हक जो है इस जगह पर वह एनएमसी का है, इसलिए मालकाना हक एनएमसी का होने की वजह से एनएमसी ने यह प्रस्ताव भेजना चाहिए। ऐसे इसके पहले निर्देश दिए गए महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, मीटिंग में बताया गया है सम्माननीय सुनील जी केदार, इन्होंने बताया गया है, लेकिन आज तक एक लाइन का भी प्रस्ताव अभी तक भेजा नहीं गया।